हाँ जी दोस्तों, आप ये जो ने पिक्चर देखे, ये जो खूबसूरत सी पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये है जनाब क्वीन डारो। क्वीन डारो इनका नाम है। और मैंने अक्सर इसको, बस अक्सर क्या, कभी कभार ही नज़र आ जाती थी कुछ स्क्रॉल करते हुए टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पे, फेसबुक पे। मुझे नहीं पता था कि इसका नाम क्वीन डारो है। असल नाम पता नहीं क्या होगा, क्वीन उसने लिखा हुआ था कि थोड़ा अट्रैक्टिव नाम हो। तो जनाब इसकी बड़ी स्टोरी चल रही है। स्टोरी ये है कि इसने जनाब दूसरी शादी कर ली है। इसकी पहले एक शादी थी और उसने फिर दूसरी शादी कर ली है, और उस शख्स से की है, वो कोई बरतानिया का कोई आसम भट्ट है, उससे कर लिया है। अब बात यह है, जिससे शादी की है वो भी ऑलरेडी पहले शादीशुदा बंदा था, और ये भी पहले शादीशुदा औरत थी, लेकिन उन्होंने आई थिंक औरत ने डिवोर्स वगैरह ले के उससे फिर शादी की है। अभी इसके ऊपर ना बड़ा ये सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा है, तो सोचा हम भी लगे हाथों तीर आजमाई करें कि ऐसी वीडियो पे बड़े व्यूज़ आते हैं। एक तो ये वजह है, इसलिए हम बना रहे हैं, चलो व्यूज़ आएंगे भाई। और दूसरा ये सोशल इशू है असल में, वो तो मैं मजाक में कह रहा था, असल ये दोस्तों ये एक सोशल इशू है कि अक्सर हमारे जो है ना, इस देखें, इस कोइन डारो के शादीशुदा औरत थी, इसके दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। उसके बावजूद भी इसने जो है ना, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चक्कर चलाया किसी गैर मर्द से, और फिर उसके साथ उसने जो है ना शादी रचा ली। अब सवाल ये उठ रहा है कि आया कि इसने पैसों के लिए शादी की है या किस वजह से की है, इसके ऊपर बेसिकली हमें डिस्कस करना है। याद रहे दोस्तों, ये जो कह लें कि ये क्वीन डारो है, ये टिकटॉक पे इसके जो फॉलोअर्स हैं तकरीबन 10 मिलियन, 1 करोड़ इसके फॉलोअर्स हैं। अब हुआ ये कि इसके जो फॉलोअर्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब इसने ये जो स्टेप लिया है, दूसरी शादी की है, उसकी वजह से इसके जो फॉलोअर्स जो है ना, वो बिल्कुल कम हो गए, कम होना शुरू हो गए। अब तकरीबन ये सुन लें कि 4-5 लाख, या अब तक मैं वीडियो आप देख रहे होंगे, तकरीबन जो है हो सकता है कि कुछ ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा जो है ना, इसके जो फॉलोअर्स हैं वो कम हो चुके हों, क्योंकि लोगों ने इसको अच्छा नहीं समझा। अब बात ये है दोस्तों, ये बेसिकली आपको पता है टिकटॉक पे बंदा लाइव आता है, और लाइव आते हैं तो वहाँ उसको गिफ्ट देते हैं, जो लड़की जितनी खूबसूरत होती है, जितना अट्रैक्टिव होती है, फिर जो ठरकी लोग होते हैं उनको गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट का मतलब यह है, उनको पैसे देते हैं गिफ्ट की सूरत में, कोई मतलब कोई $1 दे रहा है, $2 दे रहा है, $5 दे रहा है, तो मुख्तलिफ उनको जो है ना पैसे देते हैं। तो एक शख्स था जो कि ये थोड़ी सी स्टोरी सुना दे, सुनाने के वैसे ज़रूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो बरतानिया का आसिम भट्ट था, वो भी इसको पैसे भेजता था। वो कोई अमीर कबीर कोई बंदा था, तो वो उसको बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह भेजता था। तो इसको उसके साथ पता नहीं चक्कर सेट हो गया, उसको पसंद आ गया, जो भी था। बहरहाल याद रहे दोस्तों, जिसके इस क्वीन डारो का जो पहला जो हस्बैंड था, वो भी जर्मनी में रहता था, और ये ख़ुद भी जर्मनी में रहती थी। इन दोनों का एक अच्छा कहने के, उनका एक बेटा एक बेटी भी थी। और खैर ये तो इस बकौल इस क्वीन डारो के, मेरा तो उसके 2 साल पहले जो है ना, उसके साथ एक बड़ा झगड़ा चल रहा था, और हमारी सेपरेशन हो गई थी। और हालांकि मज़े की बात है, सेपरेशन होने के बाद जो है, बकौल इसके, अगले सेपरेशन का कह रहे, तो उसके 1 साल बाद उसको बच्ची एक, उसका एक बेटी भी हुई थी। तो खैर ये तो उनकी ज़ाती मामला है, जो भी हुआ। लेकिन ये जो दोस्तों, ये जो सीन चल रहा है ना आजकल, ये बड़ा आम चल गया। आप देखो, वो मर्द भी शादीशुदा था, उसकी जो शादी पहले थी वो एक तुर्की की एक लड़की थी, औरत थी, उसके साथ उसकी शादी थी, और इस औरत की भी शादी थी इसे पाकिस्तानी मर्द के साथ। लेकिन हालांकि जो दोनों जर्मनी में सेटल थे, और मेरे ख्याल में लाखों रुपए कमा रहे होंगे, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी होगा, टिकटॉक भी था, मतलब यकीन ये लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे थे। लेकिन ये उसके साथ चली गई, तो इसके ऊपर जो बहुत बुरा रिएक्शन आया। तो आजकल भाई ये चीज़ें आम हो गई हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा आप खंगाल के देखेंगे ना, उसका किसी न किसी के साथ जो है ना शादी होने के बाद भी उनका जो है ना चक्कर चल रहा है। तो एक वो फिल्म भी थी, ड्रामा भी था, मेरे पास तुम, बड़ा मशहूर ड्रामा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसके अंदर यही स्टोरी थी, बिल्कुल सेम इसी तरह की एक स्टोरी थी। वो औरत जो है ना, सिर्फ पैसे की खातिर, आसाइशों की खातिर वो छोड़ के चली जाती है। हालांकि इसके अंदर इसको तो बहुत ज़्यादा पहली आसाइशें थी, लेकिन फिर भी छोड़ के चली गई। खैर मेरा मौक़िफ, अब हमारा पॉइंट ये है कि आया कि इसने पैसे के लिए छोड़ा है, या कोई कोई वैसे कोई लस्ट थी उनको, को या इनका ये एक इससे इनको क्या कह लें, इनको मशहूरी मिलती है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने अंदाज से बताना है। मेरी जो राय थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो मुझे तो लग रहा है कि बस मैं क्या कहूँ, पैसा भी था, सब कुछ था, पता नहीं कि इनको कोई लस्ट थी या कोई भूत सवार हो जाता है इनको प्यार मोहब्बत का। तो खैर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।